दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य या असत्य जो भी है उनका कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, उनका कारण सहित बताइए। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, सत्य या असत्य। तो यहाँ हो जाएगा असत्य। अब असत्य तो हम लिख दिए ना, असत्य लिख दिए। असत्य के बाद क्यों असत्य है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए का त्रिकोणीय मिति अनुपात, उनके जो अनुपात होते हैं कोण ए को बनाने वाली भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करता है। अतः टैन ए का मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये असत होगा। और यहाँ कह रहा है कि एक से कम होता है, तो ठीक है, इसलिए असत होगा। जैसे कि मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप उसे लिख सकें। तो यहाँ आंसर नंबर एक यानी इसका हम लिख सकते हैं कारण सहित, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज भोज में कोण ए का त्रिकोण में किया अनुपात मितीय अनुपात बराबर, जैसे कोण ए की सम्मुख हो जाए भुजा, उसके बाद कोण ए की संलग्न भुजा होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण सही देंगे, इसलिए कोण ए का त्रिकोणमितीय का कुछ भी मान हो सकता है। तो ये था पहला का आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे की ओर। दूसरा में है, कौन ए के किसी भी मान के लिए से के बराबर 12/5 सत्य या असत्य होगा। तो इसका हो जाएगा सत्य, क्योंकि यहाँ से के बराबर 12/5 है जो एक से बड़ा है। ठीक है, एक से बड़ा है और हम जानते हैं कि से के का मान सदैव एक और उससे अधिक होता है। तो ये आप लिख सकते हैं कारण सहित आंसर दो। ठीक है, ऐसे और यहाँ लिख सकते हैं ये सत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ ठीक है, तो ये हो गया कारण सही। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कॉस ए कौन ए के क्वेश्चन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, सत्य या असत्य। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों है, कारण सहित पुष्टि कीजिए। कारण सहित पुष्टि हम कैसे करेंगे, तो जो मैंने बोला, जैसे कि यहाँ हम तीसरा बनाते हैं, इसलिए असत्य होगा क्योंकि यहाँ कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, न कि कोसाइन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तो असत्य है, और असत्य क्यों है, है ना, क्योंकि
अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चार में है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है सत या असत हो, तो ये हो जाएगा असत। ठीक है, आंसर है ना, आंसर चार का क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। अब असत है तो क्यों है, तो कारण सहित ज्ञात करना है ना, तो ये हो गया चौथा का आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच में कहा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर चार बटा तीन होगा है, सत है या असत है, तो ये असत है क्योंकि साइन थीटा का मान किसी भी कोण थीटा के लिए एक से अधिक नहीं हो सकता है, परंतु हाँ चार बटा तीन है ना, इससे कम, एक से कम होता है। तो यहाँ आंसर है ना, आंसर लिखेंगे पाँच का, ये हो गया असत। अब असत्य क्यों है, तो क्योंकि परंतु यहाँ चार बट्टा तीन ऐसे हैं। ठीक है, तो ये टोटल पांच क्वेश्चन का आंसर हो गया है।